शहडोल जिले के अंतिम छोर पपोन थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत खनन की सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है, जो थाने के प्रभारी से लेकर सिपाही तक को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। विगत दिनों थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत उत्खनन से प्रभारी कार्यवाही करते हुए तो दिखे, किंतु इस कार्यवाही में भी उनको सवाल की प्रथम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। सवाल बड़ा आश्चर्य का है और अनसुलझा भी है। विगत दिनों रेत उत्खनन पर प्रभारी से इस मुद्दे पर चर्चा करने पर थाना प्रभारी पपोन ने स्पष्ट रूप से कहा कि थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन नहीं हो रहा है, किंतु खबर प्रकाशन से पुलिस अधीक्षक की फटकार ने प्रभारी को कार्यवाही करने पर विवश कर दिया और आनंद फानंद में प्रभारी सोन नदी कार्यवाही करने पहुँच गए तो वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख नजर आए, या फिर यूँ कहें कि जिसने प्रभारी का मैनेजमेंट था उसको गुप्त सूचना भेजकर उसके वाहन को छोड़ दिया गया और कुछ वाहन मालिक ने तो प्रभारी पे मासिक नजराने का भी आरोप लगाया। आश्चर्य लगता है कि आम आदमी के लिए तो कानून में सैकड़ों धाराएं हैं, पर धारा आरोपित करने वाले जिम्मेदारियों पर कौन सी कानून धाराएं लगेंगी, यह तो वरिष्ठ अधिकारी ही तय कर पाएंगे। हमारा ट्रैक्टर गया था रिटर्न जी, है ना जी। वहाँ ये हमारा ट्रैक्टर जैसे पहुँचा है, ये लोग पहुँच गए हैं थाना वाले। कौन से थाना वाले? ये पपोन थाना की। पपोन थाना किस जिले पे आता है? कहाँ? शहडोल जिला के व्यवहारी तहसील के पपोन थाना जी, है ना जी। इसमें टीआई थे जी शर्मा जी जी, और खान थे नबी खान थे और जीवन लाल जी, ये सब मिल के ट्रैक्टर को पकड़े। 36 ट्रैक्टर में सिर्फ 4 ट्रैक्टर पहले पकड़े हैं इन्होंने जी, बाकी तो जिनका पैसा लिया गया था उनको भाग गए, जो नहीं दे रहे थे थाना में उनको पकड़े, और हम जो 10,000 रुपए दिए थे उसमें बोले कि तुम्हारा जो 20 तारीख का वो खत्म हो चुका है। जो 36 ट्रैक्टर थे एक साथ लोड हो रहे थे सब, एक यानी दो जगह का उसका वो है लीज है, दोनों जगह में भर रहे थे, औरों को बता दिया गया तो सब भाग रहे थे, कुछ डर के मारे भागे। क्यों भाग रहे हैं आप? रेत का कारोबार करते हैं? नहीं, हमने अपने घर के लाने 2 ट्रैक्टर लिया, 1 ट्रैक्टर पहले आए थे, दूसरा लेने गए थे। पुलिस को आप कितना पैसा देते हैं महीने में? 8 से 10 हज़ार रुपए की मंथली लेते हैं, और 20 तारीख रेत तक ढुलाने के लिए। आपसे लिए हैं? हाँ। कौन लिया है? ये पुलिस वाले लिए हैं। नाम बताइए। नाम बताएं, ये क्या कहते हैं इनका नाम लीजिए, अरे जीवन लाल हैं, और ये क्या कहते हैं इनका खान साहब हैं, हाँ, और वीरेंद्र तिवारी हैं। कितने ट्रैक्टर वालों से पैसा लेते हैं? और तो ये सब बताएंगे, लेकिन मेरे से जो लेते हैं इनको मैं बता रहा हूँ, 1 महीने उसको देते हैं, 1 महीने उसको देते हैं, हाँ। और बाकी लोग तो बताएंगे ही, हाँ। और क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं यहाँ पुलिस के द्वारा बता सकते हैं आप? गतिविधियाँ यही हैं कि कोरेक्स गांजा तो बेचवाते हैं, उनको नहीं पकड़ते हैं। कोई चोरी का रिपोर्ट कर दो तो बोलते हैं जा चोर को पकड़ ला, हम उसको कार्रवाई करेंगे ना, हाँ। हमने गाड़ी का रिपोर्ट करवाया, आज तक उसकी कार्रवाई नहीं की इन्होंने, बोले चोर को पकड़ लाओ, गाड़ी कहाँ पकड़ लाओ। कल खदान से जो ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, हाँ, वो पूरे ट्रैक्टर थाना में खड़े हैं कि? जी हाँ, लाया गया, नौ ट्रैक्टर लाया गया, हाँ। जिसमें से एक ट्रैक्टर हमने वीडियो बना के रखा है, उसका 9 ट्रैक्टर है। आज जब हम वहाँ देखने गए कल करीब 3 बजे शाम टाइम गए, 26 तारीख को, तो उसमें 9 ट्रैक्टर खड़े हुए थे, हाँ।
और इसके बाद जब हम आज गए 27 तारीख को करीब 8-9 बजे तो उसमें देख रहे हैं कि 8 ही ट्रैक्टर हैं। अच्छा, मैंने खान से बात की और बीरन तिवारी से बात की तो बोले कि एसपी के कहने पर टीआई ने छोड़ दिया है उसको। अच्छा। क्योंकि वो खाली है, तो मैंने कहा कि ये बताइए जब वो खाली है तो 2 ट्रैक्टर तो और खाली है तो उनको भी छोड़ दिया जाए। हाँ। जब मैं आज वहाँ सुबह देखता हूँ उसका वीडियो फिर बनाया हूँ तो उसमें 2 करीब 20-20 तगाड़ी रेता डाल दिया गया। अच्छा। उसमें कंडा डलवा दिया गया, 2 में 20-20 तगाड़ी रेता डलवा दिया गया। ये पुलिस के द्वारा खाली का है और आज उसमें कंडा का और ये पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ये थाना प्रभारी के द्वारा ही करवाया गया सब। और हम और ऊपर से धमकी भी बताया जा रहा है कि ये तो बंद करवा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। ठीक, और कोई है? अरे बयान करने वाला जिनको बोल देते हैं। अभी अभी आप कितने बार किस किस पुलिस वाले को दिए? हम नबी को, निखिल को। वॉइस ऑफ राइट्स के शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।